हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइस, अभी सुबह के बज रहे 8 और 10 दिन के चैलेंज किया था मैंने व्लॉग में, तो उसके बाद जस्ट आज ही आ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा गैप हो गया, उतना भी नहीं हुआ, मतलब हुई है तो मैंने सोचा बना लेता हूँ व्लॉग। ज़्यादा गैप लेना मेरा मन नहीं कर रहा था, बाकी मोटिवेशन तो आ नहीं रहा, पर मैंने अपने चैनल को सही रखने के लिए थोड़ा मैंने कहा आ जाता हूँ, क्योंकि सच्ची में मेरा बहुत ही सौदा होगा, क्योंकि 10 दिन के चैनल में कुछ फ़र्क तो दिखा नहीं। लोग बोलते हैं रेगुलर कर अच्छा हमारा दिखता, पर मेरे को 10 दिन में नहीं दिखा तो क्या ही मतलब वैसे मिलेगा, और कंटेंट भी नहीं हो पा रहा था। तो मैंने जैसे तैसे 10 दिन का चैलेंज कंप्लीट किया था, तो कोशिश मेहनत तो मुझे मेहनत का फल तो मुझे कुछ मिला दिखा नहीं उसमें। बाकी अभी चल रहा है जिम सुबह गाइस, तो अभी सुबह शाम जाता हूँ मैं, सुबह अभी 8 बजे जाते हैं जिम, चेस्ट लाइट देखते हैं जो घुमाते हैं, बाकी मिलते हैं उस जिम में। गाइस कुछ ऐसा आज बाहर का मौसम, बारिश का मौसम हो रहा है और ठंडा हो रहा है आज, तो आज गर्मी नहीं है। बाकी घूमने का बड़ा मन कर रहा है, पर क्या करें घर में ही रह रहे हैं, तो अभी फिलहाल चलते हैं जिम। अपना जिम ये है, वर्कआउट हो चुके हैं और आज हमारी बैक, तो चलते हैं घर को, काफ़ी थकान हो रही है। बाकी बैक मारो प्रीत पीछे, वो बहुत बोलते हैं तो मिलते हैं घर पे। सो गाइस, फाइनली घर पहुंच चुका हूँ और चलते हैं अंदर, अब खाते अपने अंडे उबाल के रखें जो। और ये देखो गाइस, मम्मी ने कितने बढ़िया बढ़िया फूलों की सेवा कर रखी है, चप्पलों के लिए सॉरी, बाकी फूल देखो क्या बढ़िया लग रहे हैं। इतने सारे गमले लगा रखे हैं और अभी इनको पानी चढ़ा रखा है, चलते अंदर। रूही, गुड मॉर्निंग। ओए गुड मॉर्निंग तो बोल दे। क्या गुड मॉर्निंग? ये मेरा है और ये वाला मोबाइल भी मेरा है, मेरा है। सबको हाई तो कर दे, यहाँ देख के हाई तो कर दे, फ्लाइंग किस कर दे, फ्लाइंग किस, फ्लाइंग किस, फ्लाइंग किस। चिल्ला क्यों रही है? क्या देख रही, रुई क्या देख रही थी? सफाई दिखा दिखा। सो गाइस, ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया था, उसके बाद थोड़ा सा एडिटिंग पीसी में लग गया था, क्योंकि बोर हो रहा था मैं, क्या करूं हो रही थी, तो अभी एडिटिंग कर रहा हूँ। बाकी मिलते हैं फिर आपको सुबह, अगर मैं दिख रहा हूँ पता नहीं, पर मैं कुछ करने को तो है नहीं आज मेरे पे, और बाकी घर वाले भी अब मना कर रहे हैं, बारिश का सीज़न आ चुका है तो नहाने मत जाना, ये मत जाना, बाहर मत जाना, तो बस घर में बोर हो रहा हूँ, तो सोचा कुछ एडिटिंग कर लेता हूँ। बीट्स इन मोन्टाजेस आती है ना गाइस, तो उस टाइप की कुछ मोन्टाज सीख रहा हूँ बनाना, तो उसको करता हूँ, मिलते फिर आपको। सो गाइस, खाना ये है, बैंगन का भरता, थोड़े भात और 3 रोटी, तो खाते हैं, बाकी मिलते हैं आपको शाम को, क्योंकि अभी तो जस्ट थोड़ा आराम करूँगा, उसके बाद शाम को थोड़ा जाता हूँ स्टूडियो पे, तो वहीं मिलते हैं आपको, बाकी मिलते हैं आपको शाम को। अभी तो मैं स्टूडियो जाऊँगा, मतलब अभी तो मैं सो लूँगा, कि शाम को स्टूडियो साइड जाएंगे थोड़ा घूमने, और बाकी मम्मी लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं दुकान में, तो वहाँ जाएंगे, हल्का टहलना भी हो जाएगा बाहर, हल्का निकलना भी हो जाएगा, तो बस खाना करते हैं फिर मिलते हैं आप। सो गाइस, फाइनली वीडियो मेरी एडिट हो चुकी है पूरी की पूरी, अब मैंने एक्सपोर्ट पे लगा दी है, और गाइस करते करते एडिट ना मुझे पता नहीं चला, और शाम के 5 बज चुके हैं, और यकीन नहीं करोगे आप, तब से ऐसे ही बैठा पड़ा हूँ मैं, मतलब एक बार अगर मैं एडिटिंग में लग जाता हूँ गाइस, अपने आप ही पूरा पता नहीं चलता टाइम का, चिपके रहता हूँ, एक अलग ही नशा हो जाता है मेरे को, अब लोग करते हैं अलग ही नशा टाइप का करते हैं, गंदा नशा, और भी अलग नशे होते हैं, जैसे मुझे गेमिंग का है, ब्लॉगिंग का है, एक बार एडिटिंग में खुश जाता हूँ तो लगे ही रहता हूँ, बाकी मोबाइल में भी अगर मैं BGMI खेलता हूँ तो खेलते रहूँ, एक टाइम में बहुत ही खेलता, अब तो फिर मैंने कम कर दिया खेलना, बाकी अभी एडिटिंग कर रहा था, तो जैसे ये एक्सपोर्ट होती है तो हम चलते हैं वहाँ स्टूडियो में, मन्नू भाई से मिलेंगे, 5:30-6 बजे तक जाऊँगा, अभी 5 बज रहे हैं, बाकी इसे उठाऊँ ना पूरा शरीर दर्द कर रहा है, तो चलो कोई नहीं, इसको एक्सपोर्ट पर लगा दिया मैंने, एक्सपोर्ट होता है इसलिए निकलते हैं फिर। अब चलते हैं स्टूडियो की ओर। तो अभी हम आए हैं रचित भाई के घर, टहल रहे हैं, गेड़ी मार रहे हैं, पर यहाँ ये पता नहीं क्या करने वाले हैं, ये देख रहे हैं कुछ तगड़ी चीज, मध्य का खाली हो जाएगा। तो
जाना पड़ रहा है गर्मी। तो भाई अब चलते हैं जिम को, देखते हैं क्या होता है, वरना वॉक करने का मन तो नहीं कर रहा आज। गाइस मैं आ चुका हूँ घर। मैंने कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, खाली ऐसे ही किया था टाइम पास के लिए राहुल भाई से मिलने के लिए। तो बाकी भैया तो मुझे एक्सरसाइज करने में लगा है। तो हम अब आ चुके हैं घर, अब लग रही है भूख, तो 9 बज चुके हैं। तो भाभी खाना बना रही हैं, तो जब तक मैं बैठता हूँ अपने कमरे में आराम करता हूँ, एडिट करता हूँ उस वीडियो को। थोड़ा सा कुछ हो नहीं रहा करने को, पर मुझे एक्टिव रहना है अपने चैनल पे, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो बस तुम्हारा भाई ऐसे ही तुम्हारा ब्लॉग आते रहेगा। आजकल घूमना हो नहीं पा रहा तो उसके लिए सॉरी, गरीब इंसान है कहाँ घूमेंगे गाइस। तो घूमना आजकल हो नहीं पा रहा है, तो जल्दी होगा तो बिल्कुल आपको बढ़िया सा ब्लॉग आएगा। और फायदा भी क्या है घूमने का, ट्रैवलिंग ब्लॉग कैंपिंग वाला दिखाया मैंने आप लोग को, आपने कोई प्यार दिखाया नहीं उसमें। इतना बढ़िया ब्लॉग था, फनी था, एंटरटेनमेंट था, बढ़िया कैंपिंग की थी हमने, तो उसको देखो अगर नहीं देखा है तो, जिसने तो जाओ और देखो। बाकी अभी वेट करते हैं खाना खाने का, मतलब खाने बनने का, तो उसको खाते हैं, बाकी मिलते हैं आपको। ओए दीपेश भाई, दीपेश भाई अम्मा बुला रही, थारी अम्मा बुला रही खाना खाने। ऐसे ऐसे मत करो गाइस, ये लड़का ऐसा है ना, सुबह से उठा है, जैसे सुबह उठता भी देर में है ठीक है, और सीरीज ही देखते रहेगा, सीजन ही देखते रहेगा, कुछ काम नहीं है इसका। अच्छा ये सुबह उठ जाएगा, देर में उठेगा 9-10 बजे, उसके बाद सीजन देखते रहता है, सीजन ही सीजन जितने भी आ रखे हैं। और अभी देखो अभी फ्री हुआ है ये, अभी अभी जा रहा खाना खाने, देख लो उसको। मैं तो कम से कम एडिटिंग कर रहा हूँ, कुछ अच्छी चीज कर रहा हूँ, कम से कम यूट्यूब की चीज कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब की काम कर रहा हूँ। तुम्हारी तरह सीजन सुबह से रात भर इसका पबजी, तुम्हारी तरह सीजन देख रहा हूँ मैं पबजी भी इसलिए खेल रहा हूँ। मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुन, मेरी बात सुन, मैं पबजी भी इसलिए खेल रहा हूँ क्योंकि उसे रिकॉर्ड करना पड़ता है, यूट्यूब के लिए कंटेंट एडिट करना पड़ता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ रहे हो भाई। सुबह 9 बजे उठ के सीधे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। झूठ बोल रहा है, झूठ, एक नंबर झूठा है ये भैंस की पूंछ। काटो काटो काटो। सो गाइस भाई जिम से आ चुका है और अभी हम जा रहे हैं मार्केट के लिए, मंडी मार्केट लगती है हमारे वहाँ, तो हम वहाँ जा रहे हैं आम लेने के लिए। तो चलते हैं, मस्त आम खाएंगे। भाई तेले आम कौन लेके आया? चाचा। चाचा लेके, थैंक यू बोला तूने? सही से बोल ना। बोल एडे, मार्केट गया था मैं, लेके कौन आया? मैं लेके आया तो भाइयों और उनकी बहनों, इसको बस थंबनेल के लिए बस थोड़ी सी थंबनेल चाहिए होता है इसको, इसलिए बकैती करते रहता है। अभी मेरे से कह रहा था, सीरीज देखते रहता है, सामने बुक्स वगैरह पढ़ी है इसको, वो नहीं दिख रहा था। हम पढ़ते बकैती करता नहीं करता आज पूरे दिन भर। इसे हमारे जतिन भाई है क्या सिखा रहा है? वाटर बॉटल मंगा, स्कूल जा रही है तू, वाटर बॉटल मंगा चाचा से, वाटर बॉटल मंगा चाचा से। कहाँ जा रही स्कूल? स्कूल जा रही है, नहीं जा रही स्कूल, जा रही है जुलाई से, जा रही है जुलाई से स्कूल। इसको ये नहीं पता, देखो गाइस मुझे ये नहीं पता, ये नहीं पता, देखो उसको छोटी बच्ची हो गया, छोटी बच्ची हो गया कहते, एक बार छोटी बच्ची हो कहते। फिर रुई को पापा रोज छोड़ के आएगा स्कूल में, छोटे पापा हो गए। सो गाइस रूही हमारी बहुत खतरनाक है, आज से हमको कह रही है कि अपने पापा से कह रही है कि हमें, मुझे एक नई मम्मी चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद अपनी मम्मी से कह रही है मेरे को नए पापा चाहिए। नए मम्मी चाहिए, नए पापा चाहिए, कुछ सो गाइस खाना आ चुका है मस्त, दो रोटी और आलू शिमला मिर्च। तो आलू थोड़ा कम है उसमें क्योंकि सही से डाइट करनी है बिल्कुल। तो होगा तो आपको आज सब ब्लॉग पसंद आएगा गाइज, और ब्लॉग पसंद आया तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो कर देना और प्यार देना अपने भाई को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। क्या खा रहे हो?
ये तो ऐसी ऐसी बात ही करते रहेगी। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।